मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी 6:30 मॉर्निंग है। मैं उठ चुकी हूँ, नहाने जा रही हूँ। सोच रही हूँ आप लोगों के साथ लंच शेयर करूँ। लंच शेयर करने से मुझे इतना तकलीफ़ होता है क्योंकि टाइम नहीं होता है विंटर में, और हस्बैंड का टिफिन ये सब करने से, और जो मैं शूट करती हूँ उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। इसलिए थोड़ा सा मैंने भी अभी जो लंच और ब्रेकफास्ट एक ही साथ बनाती हूँ शेयर नहीं कर पाती हूँ। इसलिए सोच रही हूँ क्या करूँ। मैं नहा धो के आके आप लोगों के साथ बात करती हूँ। हस्बैंड घर के पूजा में बिजी है और मैं पास में एक साईं बाबा का मंदिर है, मैं इतने दिनों के बाद मंदिर निकल गई हूँ। अभी 8 बज गया है मॉर्निंग का और मैं मंदिर से आई हूँ। चंदन का टिक्का भी लगाई हूँ और बेटा का क्लास शुरू हो गया है। थोड़ा मैं लॉन्च का जितना हो सकेगा दिखाऊंगी, नहीं तो आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करने के लिए सोच रही हूँ। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। मैं बातचीत कर ली क्योंकि मुझे साड़ी में काम करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसके बाद मैं ड्रेस चेंज कर लूँगी, साड़ी चेंज कर लूँगी, थोड़ा सा बातचीत करके आगे जाती हूँ। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे बेटी तैयार हो रही है क्लास के लिए। आप लोगों के साथ लॉन्च आज कुछ भी नहीं दिखाई हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो परवल आलू के सब्जी बनाई हूँ ये हो चुका है। फिर मैं एक बार शेयर कर चुकी हूँ परवल आलू की सब्जी, ये भी डिफरेंट तरीके से बनाई हूँ। फिर भी कोशिश करूँगी आगे और जितने तरह की मैं बनाऊँ आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, पर आज सुबह टाइम नहीं मिला। और एक काम करने के लिए बुलाई थी, वो आज पहला दिन था उसका, तो मुझे भी थोड़ा उसके साथ एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। क्या क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए ऐसे बताने से मेरा टाइम चला गया और हस्बैंड टिफिन लेके गए, बच्चे क्लास में हैं, ब्रेकफास्ट भी बीच में ही बना के दे दी। इस तरह काम बिजी में चलता है। ये तो रेसिपी कोशिश करूँगी, ये ब्लॉग आगे कंटिन्यू करूँ तो कुछ भी रेसिपी बनाऊँ तो ज़रूर आप लोगों को दिखाऊँ। तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल में जो नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी मैं सीधा इवनिंग में दिखा रही हूँ। हस्बैंड ऑफिस से आने के बाद बेटा और बाप मिलके चेस खेल रहे हैं। बच्चों को थोड़ा भी एंटरटेन करना चाहिए। और यहाँ दिखा रही हूँ, मेरे भाई भी आया था। जिस दिन मैं सफाई आप लोगों को पिछले वीडियो में दिखाई हूँ, स्विच बोर्ड और टाइल्स गैस स्टोव के नीचे, ये मैं अमेजन से मंगाई थी। इस तरह स्टिकर से मार्बल जैसा थोड़ा लगा के मुझे अच्छा लगा क्योंकि हमारा जो टाइल से ज़्यादा फिनिशिंग नहीं था। ये स्टिकर्स लगाने के बाद गैस स्टोव के नीचे टाइल के साथ मैच भी हो रहा है। मैं मगा तो ली है अमेजन से, छोटा पड़ गया, फिर से मैचिंग करके और एक पीस मगा लूँगी। और
और भाई बहन के मस्ती के बाद रेसिपी के लिए आज मैं आंवला चटनी आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ मैं आंवला को इस तरह छोटे छोटे टुकड़े में कटिंग करके रखी हूँ। हरे धनिया भी रखी हूँ और साबुत जीरा एक चम्मच, साबुत धनिया, 7-8 कली लहसुन और ग्रीन चिली रखी हूँ। यहाँ पे एक पैन लेकर मैं घी एक चम्मच के आसपास पैन में देके ये सब चीज़ को हल्का हल्का भून लूँगी घी में। इस तरह चटनी बनाने से आंवला चटनी अच्छा लगता है। आप चाहें तो बिना प्याज लहसुन की भी ये चटनी बना सकते हैं। मैं आज प्याज नहीं ऐड की हूँ, सिर्फ लहसुन ऐड की हूँ। आप चाहें लहसुन को भी स्किप कर सकते हैं। तड़का देके सभी चीज़ को मैं पैन में घी के साथ थोड़ा सा कच्चापन चले जाने तक फ्राई कर लूँगी। इस तरह घी के साथ सभी साबुत चीज़ और आंवला को, जो 4-5 आंवला को मैं छोटा छोटा टुकड़ा करके रखी थी, सब मिला के थोड़ा रोस्ट कर रही हूँ। हल्का घी में भुनने से अच्छा स्वाद आता है और कच्चापन चले जाने के बाद चटनी घी का फ्लेवर भी मिल जाता है, टेस्टी भी लगता है। इस तरह थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद मिक्सी जार में मैं लेके फाइन पेस्ट बना के चटनी बना लूँगी। यहाँ पे हरा धनिया जो रखी थी, लगभग एक मुट्ठी मैं हरा धनिया ऐड कर चुकी हूँ और स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर दे रही हूँ। आप चाहें यहाँ पे थोड़ा चीनी भी ऐड कर सकते हैं। मेरे बच्चे भी बाद में चीनी ऐड करके ये चटनी खाते हैं। ये आपकी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकें। यहाँ पे मैं मिक्सी जार चला के चटनी बना चुकी हूँ। यहाँ देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ये चटनी, कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। हरा धनिया मिलके आंवला चटनी और भी टेस्टी बन जाता है। और आप चाहें बाद में एक तड़का भी दे सकते हैं चटनी के ऊपर। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, चटनी अच्छा लगता है। मैं बाउल में निकाल के आप लोगों को दिखा रही हूँ पास से। आशा करती हूँ मेरा ये सिंपल सा ब्लॉग आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। I'm not